एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो हेल्पफुल होने वाली है। जिनकी भी शादी होने वाली है इस सीज़न में, या फिर जो भी लड़कियां किसी की शादी में जाने वाली है, मतलब बेसिकली आज की जो वीडियो है वो मेहंदी से रिलेटेड है। जी हाँ, तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि शादी की सीज़न चल रही है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो लेकर आऊँ कि किस तरह से या फिर कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी मेहंदी जो है वो डार्क यानी कि गाढ़ी रच सकती है। जी हाँ, तो बहुत सारी ब्राइड्स जो हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी मेहंदी कभी भी, मतलब आप डार्क कह सकते हैं कि डार्क नहीं रचती है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं आता है। ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। और जो शादी है वो एक बहुत बड़ा दिन होता है हम सब लड़कियों के लिए, और अगर उस दिन हमारी मेहंदी अच्छी ना रचे या फिर कलर अच्छा ना आए तो आप कह सकते हैं कि पूरा लुक, मतलब हमारा डे ही ख़राब हो जाता है। ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिसे कि अगर आप फॉलो करते हैं तो हो सकता है, मतलब कुछ चांसेस हैं कि आपकी जो मेहंदी है वो ज़्यादा, आप कह सकते हैं, डार्क ना रचती हो, बट इस बार जो आपकी मेहंदी है वो बहुत डार्क रचेगी अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं गाइज वो बिल्कुल आजमाए हुए हैं, मैंने बहुत टाइम यूज़ किया है तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस तरह के कोई भी स्किन केयर, हेयर केयर या DIY वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स फैमिली जिनकी भी शादी होने वाली है या फिर जिनकी भी मेहंदी का कलर उतना डार्क नहीं आता है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैं स्टार्टिंग से बताऊँगी, घोलने से लेकर सब कुछ। बहुत ही छोटे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और आपकी मेहंदी का जो रंग है वो डेफिनेटली गाढ़ा आएगा। जी हाँ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से, और वो है घोलने का तरीका। तो अगर हम बात करें तो मार्केट में तो बहुत सारी मेहंदी अवेलेबल है जो कि केमिकल से बनी हुई होती है और उसका कलर भी काफ़ी डार्क आता है। बट अगर शादी की बात करें तो शादी जैसे टाइम में आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप केमिकल वाली मेहंदी यूज़ करते हैं और कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह होता है तो फिर हो सकता है आपकी पूरी शादी ख़राब हो जाए। जी हाँ, तो आप कह सकते हैं कि केमिकल वाली मेहंदी सही नहीं रहेगी शादी के लिए। नेचुरल पाउडर वाली मेहंदी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको वही टिप्स कुछ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मेहंदी घोलना होगा हमें। जी हाँ, तो मेहंदी घोलने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेहंदी को हमेशा ही आप लोहे यानी कि आयरन के बर्तन में घोलें। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी टिप है। अगर आप लोहे यानी कि आयरन के बर्तन में मेहंदी को घोलते हैं तो उसका कलर जो है वो काफ़ी डार्क आता है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 24 आवर या 18-15 घंटे पहले आपको मेहंदी को घोल लेना होता है। जी हाँ, तो मान लीजिए जैसे कि कल आपको मेहंदी को अप्लाई करना है डे टाइम में, तो आप रात तक घोल सकते हैं इसे आयरन यानी कि लोहे के किसी भी बर्तन में आप चाहें तो मेहंदी को घोल सकते हैं। और आपको ट्राई यही करना है कि मेहंदी जो आप परचेस करें वो खुला ना हो यानी कि ओपन ना हो। बहुत सारी ओपन मेहंदी होती है पाउडर फॉर्म में, तो अगर उसमें आप कह सकते हैं कि एयर लग जाते हैं तो उसके कलर डार्क नहीं आते हैं। तो आपको सील पैक वाली मेहंदी लेनी है जो बिल्कुल सील पैक हो, और उसे घोलना है लोहे के बर्तन में। जी हाँ, और घोलने से पहले आप कह सकते हैं कि उसे आप चाल लें, जैसे कि कुछ चलनी वगैरह होती है बहुत लोग जानते होंगे उसे कैसे छानना होता है, तो उस पाउडर को पहले आप छान लीजिए, क्योंकि जो नेचुरल मेहंदी होती है वो थोड़ी मोटी होती है तो जो भी उसमें मोटे मोटे कण हैं वो निकल जाएंगे। वरना जब भी आप मेहंदी को कुप्पी में डालेंगे तो जो भी मोटा कण है वो बीच बीच में आएगा और आपकी डिज़ाइन ख़राब हो सकती है। तो मेहंदी को बिना चाले हुए ना घोलें और आयरन के बर्तन में ही घोलें, ये मेरी पहली टिप है। सो गाइज, जो नेक्स्ट टिप है वो है डेफिनेटली कलर लाने के लिए आपकी मेहंदी को और डार्क बनाने के लिए, और वो है कि जब आप मेहंदी घोल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चुकंदर का जूस या चुकंदर का पाउडर ज़रूर यूज़ करें। जी हाँ, क्योंकि चुकंदर यानी कि बीट रूट आप सब जानते हैं वो नेचुरल डाई होता है उसमें, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा वो आपकी मेहंदी को गाढ़ा होने में, डार्क होने में आप कह सकते हैं। तो चुकंदर का आप चाहें तो जूस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पाउडर मेहंदी घोलते टाइम ही आप अपनी मेहंदी में मिला दें, इससे आपका जो मेहंदी है उसका कलर बहुत डार्क आएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप है, डेफिनेटली फॉलो करिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और गाइज, अगर आप सोच रहे हैं कि चुकंदर का जूस या चुकंदर का पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉफ़ी पाउडर या फिर चाय का पानी मिला सकते हैं, तो नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं जानती हूँ कि जो लोग भी बालों में मेहंदी अप्लाई करते हैं उसमें वो आप कह सकते हैं कि कॉफ़ी पाउडर या फिर चाय की जो पानी होती है वो यूज़ करते हैं, बट गाइज आप ये जान लीजिए कि उसे डार्क कलर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। उसे बालों में यूज़ करने से आपके बालों में एक शाइन आती है, इसलिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप मेहंदी जो हाथों में लगानी है उसमें अगर वो यूज़ करते हैं तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए आप चुकंदर का पाउडर या फिर जूस आप कह सकते हैं यूज़ करिए, चाय या फिर कॉफ़ी पाउडर आपको यूज़ नहीं करना है अगर आप स्पेशली हाथों में मेहंदी अप्लाई करने वाले हैं तो, और कलर डार्क चाहते हैं तो।
नेक्स्ट टिप है कि मेहंदी आप सबको पता है कि स्किन को ड्राई करती है। जी हाँ, तो बहुत सारी ब्राइड्स हैं या फिर लड़कियां हैं जो मेहंदी अप्लाई तो कर लेती हैं फिर उसके बाद उनके हाथ काफ़ी ड्राई लगते हैं। तो अगर आप होने वाली दुल्हन हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि आपके हैंड्स जो हैं वो ड्राई लगें, इस तरह की चीज़ आप नहीं चाहेंगी। तो इसके लिए भी मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ कि जब आप मेहंदी घोलें तो उसमें एक छोटा चम्मच आपको सरसों का तेल, जी हाँ, यानी कि मस्टर्ड ऑयल, उसी में मिला देना है, यानी कि मेहंदी में मिला देना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ऑयल मिलाने से आपकी मेहंदी अच्छे से नहीं रचेगी या कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्वांटिटी पे बस पूरी तरह से ध्यान रखना है। आधे चम्मच में बोल रही हूँ, बस इतना ही आपको, आप कह सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल मिलाना है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप सब जानते हैं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, उसमें होता है मेलानिन, जी हाँ, और मेलानिन जो होता है वो आप कह सकते हैं कि डार्कनिंग के लिए ही जाना जाता है। अगर आप बालों पे भी अप्लाई करते हैं तो आपके हेयर को ज़्यादा काला बनाता है, उसी तरह से अगर आप मेहंदी में मिलाते हैं तो आपकी मेहंदी ज़्यादा डार्क रचेगी, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, गाढ़ी रचेगी, और साथ में आपकी जो स्किन है हाथों की वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगी। तो सरसों के तेल की कुछ बूंदें या फिर हाफ चम्मच सरसों का तेल आप डेफिनेटली अपनी मेहंदी में घोलें, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा मेहंदी को अच्छे से रचने में, डार्क होने में, और साथ में आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देगा। टिप है गाइस उनके लिए जो दूसरों की मेहंदी देखते हैं कि बिना कुछ एफर्ट किए ही डार्क हो जाती है, काली हो जाती है, बट वो मेहंदी आपके हाथों पे नहीं लगती, नहीं रचती, उनके लिए ये टिप है कि सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं गाइस कि जिनके हाथ ऑलरेडी गर्म होते हैं, जी हाँ, उनको मेहंदी वैसे भी काफ़ी जल्दी रच जाती है और काफ़ी डार्क रचती है। आपके हाथ गर्म है या ठंडे, ये आप डेफिनेटली टच करके ही नॉर्मल टेम्परेचर पर चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे हाथ नॉर्मली गर्म रहते हैं तो मेरी मेहंदी अच्छी खासी रच जाती है, जी हाँ, बट बहुत सारी लड़कियाँ जिनके हाथ हमेशा ठंडे होते हैं तो उनको आप कह सकते हैं कि मेहंदी रचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको ऐसा नहीं है कि मेहंदी बहुत देर रखना है, 8 से 10 घंटे रखेंगे तो ज़्यादा कलर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। मेहंदी आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ब्राइड हैं तो भी 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे बहुत होते हैं, और अगर नॉर्मली अगर आप ब्राइड नहीं है तो आप 3 से 4 घंटे भी रखेंगे तो मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छे से आएगा। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपके हाथ का टेम्परेचर जो है वो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है तो आपकी मेहंदी नॉर्मली काफ़ी अच्छी रचेगी, बट टेम्परेचर अगर कम है तो आपकी मेहंदी उतना कलर नहीं लाएगी। ये तो हो गई बेसिक बात जो बिल्कुल सही है, बट अगर आपके हाथों का टेम्परेचर कम है तो आपको क्या करना है, तो इन सब टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं तो आपकी मेहंदी डेफिनेटली गाढ़ी रचेगी। तो नेक्स्ट स्टेप मैं ये बता रही हूँ कि आपको ज़्यादा देर मेहंदी रखने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 घंटे आप मेहंदी रख लें, उसके बाद बस आपको पानी से टच नहीं करना है अगले 12 से 14 घंटे तक, जी हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी मेहंदी पानी के टच में नहीं आनी चाहिए, वरना आपकी मेहंदी बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं रचेगी। तो जैसे ही आपने मेहंदी को हटाया उसके बाद आपको करना है एक उपाय जो कि है थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा चूना उसमें आपको मिला लेना है, जी हाँ, चूना बहुत कम लेना है आपको, और ये टिप बस एक बार ही आपको फॉलो करनी है, बार बार नहीं करनी, मतलब एक बार मेहंदी लगाया उसे हटाकर किया फिर बार बार मत करिएगा, क्योंकि चूना जो है वो आप कह सकते हैं कि उससे थोड़े हाथ कटने का भी डर होता है, हार्श होता है, तो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बहुत कम अमाउंट में लेना है और सरसों के तेल के साथ मिलाकर आपको इस तरह से बस अपनी मेहंदी पर लगा लेना है, बस इतना ही करना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी मेहंदी जो कम रचती है वो भी काफ़ी ज़्यादा रचेगी, काफ़ी डार्क कलर आएगा। सो गाइस इस घोल को बस आपको एक टाइम लगाना है, सरसों का तेल और साथ में एक चुटकी आप चूना यूज़ कर सकते हैं और पूरे हाथों पर लगा सकते हैं बस। फिर अगर आपकी मेहंदी का कलर कम भी आता है तो इस बार बहुत अच्छा आएगा, और अगर आप चूना भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मली करना तो आपको चाहिए क्योंकि आप ब्राइड हैं तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी होगी, बट फिर भी अगर चूना नहीं मिला है, कोई भी रेयर कंडीशन है, तो आप विक्स वेपर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये रूल जानते हैं, मुझे पता है, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ, जैसे ही आपने मेहंदी को रिमूव किया उसके बाद मेहंदी के ऊपर आप विक्स वेपर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बाम यूज़ कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट अच्छा खासा आ जाता है, बस आपको पानी से दूर रहना है। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि अगर आप ब्राइड हैं या फिर अगर आप ब्राइड नहीं भी हैं और आप चाहती हैं कि आपकी मेहंदी अच्छी रचे, कोई भी फेस्टिवल है, कुछ भी है, तो आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मेहंदी बहुत अच्छी रचेगी। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पैकेट वाली घोलने वाली मेहंदी नहीं लेना चाहते हैं, नहीं ले सकते हैं, आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, डेफिनेटली आपको केमिकल वाली ही लेनी है जो मार्केट में मिलती है, तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रस्टेड ब्रांड का यूज़ करिए, जो आपने कभी कभार यूज़ की हुई हो वही यूज़ करिए, और बाकी बाद में इन टिप्स को फॉलो करिए, जैसे कि सरसों का तेल और चूना यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया, विक्स वेपर अब यूज़ करने के लिए बताया, इन सब चीज़ों को यूज़ करिए, पानी से अपने हाथों को दूर रखिए, डेफिनेटली आपकी मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आएगा। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि आपको किन टिप्स को फॉलो करना है। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए गाइस इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियोज़ आगे आप चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए